चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख दे जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। గత 2009 ఎలక్షన్స్ లో కాంగ్రెస్ కు ఎంఐఎం పార్టీ గట్టి పోటీనిచ్చింది. ఈసారి గెలుపు కోసం ఆ పార్టీ అధినేత హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ స్వయంగా ప్రచార బాధ్యతలు చేపట్టారు. అతనితో పాటు ఎంఐఎం పార్టీ నుండి 7 ఎమ్మెల్యేలైన అహ్మద్ పాషా ఖాత్రి, చార్మినార్ ఎమ్మెల్యే ముంతాజ్ అహ్మద్ ఖాన్, అఫ్సర్ ఖాన్, అహ్మద్ బలాలా, మోజం ఖాన్, విరాసత్ రసూల్ ఖాన్, ఎమ్మెల్యే అల్తాఫ్ హైదర్ రజ్వీ, సయ్యద్ అమీన్ ఉల్ హసన్ జాఫ్రీ వీరు కూడా ప్రతిరోజు ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఎలాగైనా ఈసారి తమ సత్తా చాటడానికి ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. देश में मुसलमान, दलित और बैकवर्ड क्लास मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, वही सही मायनों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। कभी था कारदार, कभी अख्तदार कांग्रेस के पास, तो कभी तेलुगु देशम के पास। मैं हमारे दलित भाइयों से पूछना चाहूंगा, मैं हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों से पूछना चाहूंगा, बताओ आपको क्या फायदा पहुंचा, बताओ क्या आपके गुर्बत में खात्मा हुआ, क्या आपको इंसाफ मिला, क्या सामाजिक इंसाफ मिला आपको? ये लोग सिर्फ वोटों के नाम पर आपके हमारे वोट हासिल करते हैं। बताइए, यहाँ पर मुकामी तौर पर असेंबली का इलेक्शन हुआ, जिस शख्स को आपने मुंतखब किया कहाँ पर है वो? क्या कोई नजर आता है? कहीं नजर नहीं आते। कभी त्योहार आ गया तो नजर आ गए, कभी रमजान आ गया तो एक इफ्तार की दावत कर दिए, तो कभी ईदगाह के सामने ठहर कर अपनी मोहब्बत के मजारे करते हैं। मैं नौजवानों तुमसे कह रहा हूं कि तुमको एक साफ और वाज़े जवाब देना पड़ेगा। जितनी तादाद में तुम आज यहां पर जमा हुए हो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि पोलिंग के दिन तुम होश के साथ काम करो। आपका जज्बा यकीनन मुबारकबाद का मुस्तहिक है, मगर होश के साथ काम करो, निकलो और अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करो। बताओ इन ताकत इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को, बताओ कि तुमने हमको जेल में डाला, आज अगर तुम्हारे दिल में गम और गुस्सा है तो मैं तुम्हारे गम और गुस्से को समझ सकता हूं, मगर गम और गुस्से को सही तरीके से लेकर जाना और उसका सही मुस्बित अंदाज में नतीजा निकलना, ये हमारी सही कामयाबी होगी। अगर तुम्हारे दिल में अकबर के ऊपर जो जुल्म हुआ उसका गुस्सा है, तो नौजवानों उस गुस्से का इजहार तुमको इस तरीके से करना है कि तुम यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करो। जो लोग सेकुलरिज्म की कामयाबी चाहते हैं, जो लोग जिनके दिलों में जिनकी कोशिश ये कि यहां पर मुसलमान, दलित और बैकवर्ड क्लास का इतिहाद कायम हो, तो मैं उनको दावत दे रहा हूं कि आओ यहां पर, आप हमारे उम्मीदवार को कामयाब करो। मजलिस की कामयाबी
सिर्फ मजलिस की कामयाबी नहीं होगी, ये हमारे दलित भाइयों की कामयाबी होगी, ये हमारे बैकवर्ड क्लास उन भाइयों की कामयाबी होगी, ये हमारी कामयाबी होगी। और हम इनको बताएंगे कि हम अपने वोटों से हमारी एक बैकवर्ड क्लास की बहन को कामयाब करके बताएंगे कि ये सेकुलरिज्म की कामयाबी होती है। अब हमने कई वर्षों से हमने इनको वोट दिया, इनको कामयाब किया, मगर हमको कुछ हासिल नहीं हुआ है। अब आंध्र प्रदेश की तारीख में एक नया बाब लिखा जाएगा, मजलिस हर उस जगह से इंतखाबात में सारेगी, मजलिस अब कानून नहीं बैठने वाली है, जहां कहीं भी हम जीतने के मौके पर होंगे वहां पर हमारा उम्मीदवार हम खड़ा करेंगे। हमको कामयाबी हासिल करना है, लड़ना है, जुस्तजू करना है। अब यह वक्त बैठने का नहीं है नौजवानों, यह वक्त आगे बढ़ने का है। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकेगी। ये रियासत इंतजार के तरीके अख्तियार करेंगे आप, चोरों को पकड़ने का तरीके अख्तियार करेंगे आप, बम ब्लास्ट हो गया, 17 हिंदुस्तानी मारे गए, मरने वाले हिंदुस्तानी थे, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, ये हमारे मुल्क के ऊपर हमला है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ, इन टेररिज्म वाकयात के खिलाफ अगर हमको आवाज देना है तो हम तमाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। हम मुसलमान हैं, हम हिंदू भी हो सकते हैं, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ हमको एक होना पड़ेगा। ये मजलिस साहब से कह रही है, मैं पुलिस वालों से हमारे जो असेंबली के अनुग्रह सात एमएलए मंडित किए हैं, यहाँ पर कोई इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आता कोई पार्टी का, तो वहाँ पर भी मुसलमान उम्मीदवारों को बलि का बकरा बना के पेश कर देते, जा बेटा मंडित के हाथ से जुबा हो और उसके बाद फिर अपनी वफादारी जमात में कायम करें। ये पुराना के लिए लोग पूरे यहाँ गरीब लोग रहते हैं, बहुत ये ग्रेटर हैदराबाद में बहुत गरीब एरिया है, पूरा ये हर यहाँ से पूरे जितने भी मुल्क के लोग रहते हैं उतने लोग हैं यहाँ। पूरे जने कह रहे कि कांग्रेस को ये बार वोट नहीं देते, एमआईएम को देते, एमआईएम को जिता के हमारे कामा लेते बोल के उन लोग वादा कर रहे। SC BC लोग पूरे या ज़्यादा 95% ST लोग है, उन लोग असद बाबा पूरे जने सपोर्ट कर रहे। फिर एक बार फिरा बोल के रिक्वेस्ट कर रहे, साहब से बात करते बोल के उन लोग पूरे जने चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख रे चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। Oh, 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 oh